हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड बाय रागनी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ रवा या फिर सूजी की इडली की रेसिपी, जो कि इंस्टेंट बन जाती है सिर्फ 10 मिनट में। और इसके लिए ना तो हमें दाल चावल भिगोने की ज़रूरत है और ना ही फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फटाफट से इस इडली को बना करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपकी भी इडली ऐसी ही फुली फुली सॉफ्ट और स्पंजी बने, इसके लिए आपको पूरी वीडियो फॉलो करनी होगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रवा इडली बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 2 कप बारीक वाली सूजी ली है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को भी मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। उसको ग्राइंडर जार में डाल करके थोड़ा देर चला लें तो वो एकदम बारीक हो जाएगी। तो अब इसमें हम ये देखिए, घर की नॉर्मल दही है वो 1 कप डालेंगे। तो दही और सूजी का रेशियो इतना होना चाहिए कि जितना हमारा सूजी है उसका आधा हमें दही लेना है। तो अब इसी के साथ इसमें मैं ये देखिए 1/4 चम्मच में खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, वो मैं डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। और अब इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बैटर अभी बहुत गाढ़ा है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाली है। तो टोटल मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। और अब इसको हम अच्छे से एकदम स्मूथली एकदम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और 1/2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको 15 मिनट के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1/2 घंटा हो चुका है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। सूजी ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका बैटर थोड़ा सा थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा पतला करना होगा। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। और इसको अब हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। इसका हमें बैटर ना ही बहुत पतला बनाना है, ना ही बहुत थिक बनाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है, जैसे सूजी का बैटर रहता है चावल दाल वाला। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाली हूँ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, या फिर आप 1/2 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो टोटल इस बैटर को बनाने में हमें पहले और बाद में लगभग 1 कप पानी लग ही जाता है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही पानी डालें, क्योंकि कभी कभी सूजी जो होता है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, कभी कभी कम करता है। तो बस आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखें, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। तो अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हमें जब सूजी पहले भिगो के रखे थे ना, तो उस टाइम पे नमक नहीं डालना है, हमें नमक बाद में डालना है। तो अब इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से फेटेंगे। और ये देखिए, इडली का जो स्टैंड है, साचा है, इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ये मैं सारे प्लेट्स को ऐसे ही हमें ऑयल से अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारी इडली चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, तो वो डालेंगे। और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे। और इसको एकदम अच्छे से हम मिक्स कर ले फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे आप चाहे तो ईनो भी डाल सकते हैं, अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच आप ईनो डाल दें, ईनो फ्रूट साल्ट होता है ना, वो आप डाल सकते हैं। मैंने पहले भी इसमें 1/4 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा डाला था और 1/2 छोटा चम्मच मैंने बाद में डाला। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल फ्लोइंग नहीं है और ना ही बहुत थिक है, आप देख सकते हैं। तो बस ऐसी ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमें बैटर चाहिए इडली के लिए। तो अब हम फटाफट से ये देखिए, इडली के साँचों में ऐसे हमें भर लेना है बैटर को, पूरा ना भरे, थोड़ा थोड़ा खाली रखें, क्योंकि जब ये फूलेगी ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बैटर को फिल करें। तो ये देखिए, मैंने सारे स्टैंड में, सारे साँचों में मैंने इडली का बैटर जो है वो भर लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से ये देखिए सेट कर लेंगे। तो अब इसको अच्छे से हम बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके पास ये इडली का स्टीमर नहीं है, वो इस तरह से भी स्टीमर बना सकता है। मैंने एक भगोने में देखिए 1 ग्लास पानी डाला था और डाल करके मैंने इसको प्लेट से हीट कवर कर दिया था, ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। और इसको हमने जो इडली का स्टैंड है ना, इसमें हमने भगोने में डाल दिया है और इसको वापस से हम कवर कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हमें तकरीबन 15 मिनट तक इसको पका लेना है। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इडली हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं क्रैक भी हो गया है इडली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूली है ना इसकी वजह से।
तो अब हम चेक कर लेते हैं एक नाइफ की हेल्प से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब कि इडली हमारी परफेक्ट कुक हो चुकी है। वैसे 15 मिनट बहुत परफेक्ट टाइम होता है, मीडियम फ्लेम पे इडली बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। तो अब इडली अच्छे से ठंडी हो गई है थोड़ी, तो अब चलिए निकाल के दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से ये देखिए निकल गई है, एक चम्मच की हेल्प से मैंने थोड़ा सा ये देखिए ट्विस्ट किया तो बहुत ही आराम से इडली सांचों से निकल जा रही है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे ही सारी इडलियों को निकाल लेना है, जब हल्की सी ठंडी हो जाए तभी आप इडलियों को निकालें, बिल्कुल गरम गरम में ना निकालें। तो चलिए अब इडली को हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने नारियल की चटनी बनाई है और इसी के साथ मैं इडली को सर्व कर रही हूँ, ये सरवा इडली को। तो आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में, सुबह के टाइम में जब चाहे तब बनाइए फटाफट से, ना तो चावल पीसने की झंझट, ना ही फर्मेंटेशन की जो है कि टेंशन होगी कैसे फर्मेंट करें जाड़ों के टाइम में। तो बस फटाफट से इस रवा इडली को बनाएं और एंजॉय करें। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफी बनी है, बिल्कुल ब्रेड के जैसा इसका टेक्सचर होता है, खाने में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ ये सूजी की इडली हेल्दी भी बहुत होती है। तो ये देखिए मैं तोड़ के इसके अंदर का टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, अंदर से भी कितना अच्छा फ्लफी है ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल रुई के जैसा दिख रहा है इसका टेक्सचर। तो अगर आपको इस नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इस इडली को बना करके ज़रूर एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।